ये आगे मनीषा की तमीज नहीं थी बेचारी, ठंड में घुमा दिया। किस तरह कर रही थी वो आया है। और हमारी पीतिया जिम से, जिम के साइड इफेक्ट से थक के हार के सोगी बेचारी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, पूनम जलियल व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हाजिर है नए व्लॉग के साथ। तो सुबह सुबह मैं खाना बना रही, ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हो रखी क्योंकि जूस पी लिया मैंने, थोड़ी एनर्जी आ गई मेरे अंदर। गाजर चुकंदर सब कुछ डाल डूल के जूस बना लिया, इसमें हल्दी भी और क्या बोलते हैं आंवला अदरक सब कुछ डाल के जूस बना लिया और पी लिया ना, उससे एनर्जी आ गई थोड़ी सी, इसलिए थोड़े ज्यादा एक्साइटेड। तो अभी बना रही मैं खाना, चने और यहाँ पे धनिया मेथी पुदीना ये सब तोड़ लिया मैंने। पालक तो मेरे साथ साथ घूमता रहेगा, कपड़े धोए थे वो उतारे हैं। तो ये देखिए मेथी, ये सरसों, धनिया, पुदीना जो मैंने अभी तोड़ लिया, इतना अच्छा हो रखा था। कौन आ गया? इस लड़की को गौर से, ये सुबह सुबह नहीं गई तो लेट ही थी और इतनी जल्दी इसको भूख भी लग गई। क्या चाहिए? बहुत भूख लग गई है मेरे को, कुछ भी दे दो खाने के लिए। थप्पड़ दे दो। हाँ, चलेंगे बुनो। जो आप बुनो नहीं चलेंगे। कौन आ गया यो? अब कौन आ गया? अब कौन आ गया? देखो मेरे साथ उठो, ट्रीट खा ली। देख 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 देख, ये बता ले तो ली ट्रीट है, कितनी खिलेगा देख। हाँ, मैंने ले ली ना मनीषा से, तो पापा का नंबर और लेके जागा से रूम में ताकि ट्रीट दे दे दोनों से। बताओ भाई अलग अलग। अच्छा शेर है जबरदस्ती वाला, एक कौन सा तरीका नहीं देनी, मेरे को दे दे, मेरे को दे दो। मनी शांति है, आई लव यू बोल। नहीं देखिए आई लव यू बोलो, अरे बोलना तो बोल दे बुरना। और कुत्ते भी बोलते, तू भी बोल, बोल आई लव यू बोल। नहीं बोलू, बोल दे बोल दे, नहीं बोलू आई लव यू बोलो ना गिरा नुको, तो चली जा चली जा तू। बोल आई लव यू। देख देख बोल बेटे, ये जबरदस्ती करा के छोरे गेले, छोड़ दो आई लव यू। मैं उसके सपोर्टी, तुम तो जमाए बात कर दोगे तुम्हें। और नहीं तो यहाँ पे बन रही है आलू की सब्जी, थोड़ी सी फ्राई कर रही थी, देखते हो गई कि फ्राई हो गए थोड़े थोड़े हल्के हल्के। यहाँ पे बन रहा है मनीषा के लिए सरसों का तेल में, ये जाएंगे क्या क्या जाएगा भाई, सरसों के तेल में जाएंगे प्याज और कड़ी पत्ता। ड्रेसिंग बता रहे क्या ना? कड़ी पत्ता थोड़ी देर बाद में डालूंगी, थोड़ी देर बाद में डालूंगी कड़ी पत्ता। और इसमें 2 चम्मच डालूंगी मेथी, दाना वाली मेथी जो ये चाहिए, और ये थोड़ी पक जाएगी ना तब डाल ही दो वैसे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डाल दिया भर के, और ये मनीषा के लिए बन जाएगा बालों का तेल। मैं पहली बार ट्राई करके देख रही हूँ, वैसे एक बार किया था अच्छा था, ये अलग तरीके से बना रही, वो थोड़ा अलग तरीके से था। ऐसे तो एलोवेरा डाल सकते हैं। हाँ कुछ भी डाल लो, मतलब अच्छी चीजें हैं ये। एलोवेरा तो पानी वाला होता है ना, तो तेल भी पक गया है। नहीं पक गया फिर भी मेरे को क्या पता। तो फ्रेंड्स ये है सरसों का तेल, और इसमें मैंने डाल दी है 2 बड़े बड़े प्याज, कड़ी पत्ता और मेथी के, मतलब दाने वाले मेथी के 2 चम्मच भर के। तो इसको मैं अभी पहले तो गर्म फुल उसमें गैस में बनाया है, और अभी मीडियम क्या बिल्कुल इसको लो गैस कर दिया मैंने, तो उसमें थोड़ी देर पकाऊंगी और फिर इनको ठंडा होने के बाद छान लूँगी। तो ये बालों के लिए अच्छा बताते हैं ये वाला तेल। सब्जी तो अभी बनने वाली है, तब तक मैं बना लेती हूँ चटनी। ये देखिए जो अभी ऊपर छत से तोड़ के ले गई थी ना, तो ये सारी चीज़ डाल के, हरी मिर्ची नमक लहसुन सब कुछ डाल के इसकी चटनी बना दी। चटनी बन चुकी है और ये दही मिला दी, तो सब्जी भी तैयार हो चुका है तैयार। अब इसको थोड़ी देर और ये अच्छे से टपक लेगा, फिर इसमें डाल दूँगा एक डिब्बे में आयुर्वेदिक तेल। The next day. सारी फ्रेंड आ गई है। ये आ गई मनीषा की फ्रेंड, खुश रहो खुश रहो। डेली देखती हूँ। सही है, देख 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 खोल लिया गेट। मानसी का स्वागत है। थोड़ा सा ही रहा उसके साथ, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
गुजबोई ये बन रही है नई तरीके की मैगी। पता नहीं मैं तो बहुत साल बाद बना रही हूँ आज मैगी। मनीषा की तो बोल रही आंटी मैगी बना के लेके आ। मनीषा ये बहना मिल गया और मैं बना रही हूँ नए तरीके की मैगी। देखो कैसे बनती है भाई, पता नहीं। एक थोड़ा सा तेल में फ्राई करके अब इसमें डाल दिया पानी। बहुत दिनों बाद न्यू एक्सपीरियंस ऑफ मैगी नई डिजाइन की मैं भी ट्राई कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा होगा वैसे तो, अच्छी ही बनेगी क्योंकि यकीन है। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसी बनी है हमारी मैगी। एक बार मैं बना लेती हूँ कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैगी का इंतजार करते हुए मैगी चाहिए। हाँ देखा है तेरे को का चाहिए। दुगमगु को का चाहिए, मैगी चाहिए। नहीं मिलेगी तेरे को मैगी। मैगी इतना खुश होके खा ले है। देखिए यहाँ पे है पराठा और यहाँ पे है मैगी। तो मैगी हो चुकी है, दिखाते हैं बच्चों को। तो देखिए इसकी फ्रेंड आई थी और इसको ना इतनी तमीज नहीं थी, बेचारी को ठंड में घुमा दिया। किस तरह कर रही थी वो अरे ये देखिए मैंने बना दी इनके लिए मैगी और ये पराठा। देख कैसे बने, देख तो चेक कर। और चाय वाय पी थी और ये सारे बर्तन भांडे लिया के दे रखे हैं। अरे मैगी के रख दियो, ठीक है ना। आप लोग निकाल लिए अपनी? नहीं रे, आप लोग नहीं खाओगे? खाओगे, चेक करके देख कितनी अच्छी बनी। आपने कर ली होगी? ना रे, कर ली ना रे, मना कर रही, समझा करो रे। अच्छे से मिक्स करके लपा लप, अच्छी सी। कैसी बनी? अच्छी बनी, सच्ची में अच्छी बनी। एक्सपेरिमेंट करा मैंने बहुत जबरदस्त वाला, बहुत मस्त एक्सपेरिमेंट करा। देख लिए, बता बाद में बताऊंगी ना, ये भी नहीं बता रही। खा ले फिर बताऊंगी पूरा। फिर ढक्कन क्या करेंगे ले जाके? ढक्कन छोड़ दे, उसके ऊपर रखेंगे वरना गंदा हो जाएगा। ये देखो भाई, ये देखो भाई। नहीं नहीं नहीं, तकिया बनी भाई। कैसी बनी? मैं आपकी डेली व्लॉग देखती हूं। डेली कौन सा? पूनम जाल इंस्टा पे? नहीं, जो आप डेली व्लॉग नहीं डालते हो। एक तो आजकल मिनी छूट गई, मिनी व्लॉग है वो। हाँ वो मेरी बहन के बच्चे आए हुए थे ना, उनके लिए छूट के गई। प्रदीप का वो काम था। नहीं, आंटी दोबारा बना देंगी। केक छोटे पर कल की बात है, परसों की। मैं केक बोल भी रही थी बनाने का, फिर इसने मना कर दिया। नहीं केक तो सुबह से बोल देती तो मैं शायद ट्राई कर लेती। अब तक बन जाता, अब तक तो याद ही नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, तो मैं अच्छा खासा मेन्यू लेके आऊंगी आपके पास। पहले व्हाट्सएप कर दियो। बाजरे की रोटी मैंने वीडियो पे देखी, साग बना लिया था, मतलब उबाल लिया। इसमें थोड़ा सा बेसन डाल के और इसको अच्छे से घोट दिया है और ये बन चुका इसका मसाला। अब मसाले में जाएगा एक चम्मच देसी घी। अरे रुक जा भाई, वैसे तो तेल में बनाई मैंने सब्जी, सरसों के तेल में अच्छी बनती है। फिर ऊपर से एक चम्मच घी डाल दी मैंने तो और भी टेस्टी हो जाएगी। खाने के टाइम जिसको मर्जी और डाल लेंगे, पर बाकी इस टाइम मसाले में डाल दूंगी और फिर ये मसाला जाएगा सब्जी में। तो ये भी सारा मसाला इसमें डाल दिया है और अब इस चीज़ को अच्छे से घोट के उबाल लूँगी क्योंकि मैंने इसमें बेसन डालने के बाद इसको उबाला नहीं है। ओह माय गॉड, वो तो व्लॉगिंग में और वीडियो में। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, मम्मी कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद पोछा लगाते हुए। हाँ कभी तो जिम में गए, पैर में दर्द हो रहा है, कभी आज मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, आज मेरा कॉलेज है, आज मेरा ये है, और कई दिन बोल रहा है। और मैंने कई दिन बाबू लगाओ पोछा। हमारे कमाऊ बच्चे, एक तो ये पड़ा, एक इसके ऊपर पड़ा, ये जिम के साइड इफेक्ट। ये कि जिम कर क्या है, ये जो तेरे ऊपर पड़ा तू कि जिम कर क्या आ रहा है। प्रदीप कमल काट देगा, दोनों की पिटाई करूंगी देख लियो। फिर काट दिया ना इसने थोड़ा सा भी। हमारी माता ने बनाई है, माता जी ने बनाई है रोटी। माता जी रोटी बना ली, खाओ
रोटी बनाई है। ये जिम के साइड इफेक्ट कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखो ये देखो। तो फ्रेंड्स अभी नहा के आई हूँ, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। और जैसे सुबह में बताया था बालों में तेल लगा था, तो बाल भी धोने जरूरी थे। और सूर्य देवता तो आज भी निकलने का नाम नहीं ले रहे, कल भी नहीं आए बिल्कुल भी, कल नहीं सूरज दिखाई दी। और आज अभी तक तो 12:30 हो चुके हैं, अभी तक तो सूर्य देवता आए नहीं हैं, पता नहीं कब आएंगे। मैं सोच रही थी धूप में जाके बाल सुखाऊंगी, पर नहीं होगी भाई, अब ड्रायर से करना पड़ेगा। फ्रेंड्स अभी बच्चे सोए हुए हैं, उनको उठाती हूँ, खाना खाने का टाइम हो गया, भूख लग गई बहुत तेज। फ्रेंड्स मनीषा ने तो मना कर दिया खाना खाने से, बोल रही अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में उठूंगी, तो मैं खा लेती हूँ खाना, 12:30 से ऊपर टाइम हो गया है। दिखाती हूँ आज हरा साग बनाया है, बाजरे की रोटियाँ गर्मा गर्म। एक बार लाइट ऑन कर लेती हूँ, लाइट बिना तो पता नहीं शक्ल कैसी भूत जैसी दिख रही थी। तो अभी मम्मी ने तो बना लिया, मतलब गेहूँ की रोटी बना दी, बाजरे की खुद के लिए भी बना ली। मैंने मना कर दिया था क्योंकि ठंडी हो जाती जब तक, इसलिए मैं अपने लिए बना लेती हूँ रोटी। फिर मिलते हैं मखाना लगा के। बुनो बुनो खाना खाने को जा, आज घेटक जल्दी आ। ये प्रदीप के साथ साथ ये भी सो गया, बताओ खाना नहीं खा रहा ये भी। प्रदीप ने तो खाना तो खा लिया था, क्योंकि प्रदीप तो जिम से आते हैं उसको खाना चाहिए, तो उसको तो मैंने खाना खिला दिया था। मनीषा बस दूध पी के सोई है, उसने खाना नहीं खाया है। रवि इसके लिए डाल के रख रखा है, ये प्रदीप के ऊपर पड़ा पड़ा सो रहा है, बताओ कौन सा जिम में गया था बेचारा। और बुरनो भी हमारे बिना खाना नहीं खा रहा है, अभी खाना शुरू किया इसने भी। तो मैं ले लेती हूँ 1-2 मिर्ची, थोड़ी दे दियो लस्सी, थोड़ी सी एक गिलास सी मेरे। तो चलो मैं खाना खा के मिलती हूँ आप लोगों से। या खाना खाएगी है, आजा फिर जल्दी आजा, मैंने खा लिया तो क्या खाया है। और हमारी बिटिया जिम के साइड इफेक्ट से थक के हार के सो गई बेचारी, इतना थक गई सूझ जाए नहीं बेचारी को, सो गिर। एक वो देख 2 मिनट किताब उठाई थी और उसका इतना नशा चढ़ गया किताब का, कुछ नींद आ गई, बताओ ये कोई मतलब है भाई हमारे बच्चों के, तो कुछ ना मतलब बनना चाहिए कुछ ना कुछ। तो देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा मनीषा के लिए बनाया है, ये मुरमुरे और ये क्या बोलते हैं इसको मखाने ड्राई रोस्ट करके, मतलब घी में हल्के हल्के, और मूंगफली थोड़ा घी में ड्राई रोस्ट करके, थोड़ा नमक थोड़ी मिर्ची डाल के, इसके नमकीन चाहिए थी तो वो दे रही हूँ। और अभी इसके पापा आए हैं तो उनके लिए बन रही है चाय। थोड़ा सा चाय पी थी, बोली भूख लग गई कुछ प्रोटीन का कुछ बना के दो, तो मेरे को तो यही ठीक लगा। इसमें थोड़ी सी ड्राई रोस्ट क्या घी में कर दी ये रोस्ट, सारी चीज़ें मूँगफली मखाने मुरमुरे नमक डाल के हल्की सी मिर्ची डाल दी, फिर टेस्टी बन गए। तो नमकीन टाइप में है ये, कभी भी जैसे थोड़ी सी भूख लगी इसको इस जार में पैक करके रख दूंगी और खाती रहेगी। देखो ये बैठी। हेलो हाँ जी हेलो, यू हेलो ऐसा नहीं होता ऐसे थे। हेलो बुनू क्या कर रहा बुनू, इससे स्नैक्स हैं करारे कुरकुरे। और इसमें अगर मैं वैसे खुले छोड़ूंगी तो थोड़ी देर में सील जाएंगे, क्योंकि मखाने ये चीज़ ऐसी हैं कि ये जल्दी सील जाते हैं। और इसमें कंटेनर में रख दिया ना तो ये सीलेंगी नहीं बिल्कुल भी, एयर टाइट है ना। तो चलिए अभी कर लेते हैं काम। अभी सारा दिन से थक रखे थे तो बहुत काम था, काम आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा। चलिए आज के व्लॉग का यही एंड करते हैं। तो आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसे लगा हमारा व्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहें मुस्कुराते रहें और हमारे व्लॉग देखते रहें। बाय, गुड नाइट।